सो गाइस हेलो वेलकम बैक। एज यू कैन सी ये डिब्रूगढ़ में है, फर्स्ट माइक्रो ब्रूअरी इन नॉट आसाम बोल सकता है या फिर अरुणाचल में कहीं भी नहीं है ऐसा। तो दिस इज द ओनली वन, ये माइक्रो ब्रूअरी जो है प्लांट लगाया गया है। और ये माइक्रो ब्रूअरी में आप लोग बहुत ही जल्दी आप लोग को बियर एक्सपीरियंस करने मिलेगा। यहाँ पे लाइव बियर बनाता है, यहाँ पे लाइव प्रोसेस चलेगा आपका। बियर यहीं से निकलेगा, बियर यहाँ में बनेगा। और अगर ब्रू मास्टर हम लोग के पास होता तो मैं अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन कर पाता आप लोग का साथ, क्योंकि हमको भी उतना मालूम नहीं है इसका बारे में। लेकिन हाँ, ज़रूर हम देखा है, बेंगलोर में भी हम इस ऐसा काम किया है, तो हमको थोड़ा थोड़ा मालूम है। इसलिए जितना मालूम है बेसिक हम आप लोग को बताने का कोशिश किया है। तो चलो थोड़ा ट्राई करेगा आप लोग को बताने के लिए जितना हमको पता है। सो लेट्स गो। सबसे पहले ये है हम लोग का पैनल बोर्ड। पैनल बोर्ड मतलब पावर कंट्रोल जितना भी है यहाँ से होता है, और स्विच सिस्टम जितना भी है यहाँ से होता है। तो ये पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का ये कंट्रोल है। तो आगे चलते हैं। और ये है गाइस हॉट एसएलटी टैंक, मतलब हॉट लिकर टैंक। यहाँ पे स्टोर करता है, गर्म पानी स्टोर करता है। यहाँ पे ब्रूइंग और क्लीनिंग प्रोसेस में वो पानी को यूज़ करता है। और गाइस ये है मस्ट टैंक, या उसको मस्ट टन भी कह जाता है। यहाँ पे हम लोग का जो ग्रेन्स और जो पानी है इसको मिक्स करके ये वर्ड क्रिएट करता है, मतलब यहाँ पे मिक्सचर बनाता है। और थ्रू आउट द प्रोसेस ये एक कंसिस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी करता है। वर्ड मतलब होता है लिक्विड एक्सट्रैक्ट, जो कि मतलब मैशिंग प्रोसेस से ब्रू करने का टाइम में, बियर बनाने का टाइम में जो शुगर कंटेंट्स है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाता है, तो यहाँ पे वो स्टोर होता है। यही मेन चीज़ जो यही मेन चीज़ है कि जो आगे जाके बियर बनेगा। ये जो अभी आप लोग इसको अभी दिखाई दे रहा है, ये IWT बोलता है उसको, आइस वाटर टैंक भी बोलता है। और ये मतलब ये काम करता है जो हम लोग का वर्ड है, जो मैंने बताया था, जो मस्टैंग से जाके वर्ड टैंक में जाता है, तो उसको एक फर्मेंटेशन टेम्परेचर में मतलब लाने के लिए ये आइस वाटर टैंक काम करता है। तो उसका हिसाब से वो आगे जाके फिर दूसरा बेसल में चला जाएगा। और यहाँ पे आप भी जो भी FB1 FB2 बोल के देख रहा है, ये सब मतलब फर्मेंटेशन वेसल्स है, या फिर उसको आप बैरल्स भी कह सकता है। बैरल्स नहीं, वेसल्स बोलता है मैं एक्चुअली। यहाँ पे जो है हम लोग का बियर का एजिंग होता है 1 मंथ के लिए या फिर 2 मंथ्स के लिए। ये पंप है, ये मशीन है जो कि मतलब बियर को इस तरफ से उस तरफ पुश करने का काम करता है, या फिर मोटर बोल सकता है उसको। सो ये इसका भी बहुत बड़ा काम है यहाँ पे। और ये देखिए, ये आपका ये साइड में होता है हम लोग का, ये कूलर है। कूलर जो भी मतलब गर्म पानी को ये तुरंत ठंडा करने का काम करता है, या फिर मशीन को ठंडा कराने का काम करता है। पूरा उसका काम यही है ठंडा रखना, तो वो ठंडा कराने का काम करता है, बियर को कैसे फ्रेशली मतलब एक टेम्परेचर पर रखने का काम करता है। सो आप लोग को बताने के लिए बहुत कुछ, शायद लिक्विड क्लीनिंग एंड मिक्सिंग मशीन है, हमको अच्छी तरह मालूम नहीं है इसके बारे में, हम पूछना पड़ेगा। कोई जानकारी वाला है तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं सर्च करके आप लोग को बताएँ। और ये तो क्या है, आप लोग को सबको मालूम ही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है, इसको यूज़ करता है BBT2, मतलब यहाँ से फाइनल डिलीवरी, बियर का फाइनल डिलीवरी यहाँ से हो जाएगा आप लोग का। ये दोनों टैंक BBT से आपका फाइनल बियर ड्रॉ करता है। और ये तो ड्रेन है, यहाँ पे सब जितना भी वेस्ट है पानी वेस्टेज, और या फिर बियर का वेस्टेज जितना भी है, यहाँ से बाहर सीधा ड्रेन तक चला जाएगा। सो यही है ब्रूअरी प्रोसेस। ये सब लॉक अनलॉक ये टैप है, जिसको लॉक अनलॉक मतलब ब्लॉक करके रख सकता है, या फिर जब खुलता है। ये मस्ट टैंक है, आप लोग को पहले भी बताया था, ये गर्म करता है, मिक्स करने का काम करता है। यहाँ से उसको ग्रेन को अंडर डालता है, अंडर डालने के बाद अंडर में एक ये पंखा जैसा वाला एक चीज़ है, यहाँ पे मिक्सर करता है उसको, मिक्सर करता है यीस्ट और अपना ग्रेन्स हो गया,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस वॉज अ शॉर्ट एंड क्विक वीडियो. इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता था क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ इसके लिए था. और बियर का बारे में हम लोग अलग दिन में बात करेंगे, बैठ के सीधा उसको दिखाएगा भी, क्योंकि आई एम एज अ बारटेंडर आप लोग को ये टॉपिक्स हम बात करेगा बोल के कब से हम सोच ही रहा था कि बारटेंडिंग का टॉपिक्स में भी कुछ बात किया जाए बोल के. क्योंकि हम आप लोग को सिर्फ हम ये दिखा रहे हैं, आप लोग को गाना दिखा रहा है, नाच गाना दिखा रहा है, ये सब दिखा रहा है. लेकिन ओके, दैट्स माई हॉबी. लेकिन मेरा प्रोफेशन अगर बोलने जाएगा तो मैं बारटेंडर है, मैं बारटेंडर करता हूँ. और बारटेंडर कैसे बन सकता है, कैसे क्या करना पड़ता है, कौन सा आपको बेसिक नॉलेज होना पड़ेगा, या फिर आप कौन सा कहाँ पे कोचिंग करना पड़ेगा, ये सब वगैरह हम एक टॉपिक पे आप लोग को मैं बात करेगा. बट फिलहाल के लिए, अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस एंड लव यू. कीप मी सपोर्टिंग, कीप मी ब्लेसिंग. थैंक यू सो मच. बाय बाय.